Good morning, Assalamu Alaikum. Like we discussed last time, that the new category or new thing which we are going to explore from now onwards is power and the media. This is a snippet or page from the Cambridge Scheme of Work and Syllabus. Let's have a look at examiner humse kya expect kar raha hai. Power and the media considers issues surrounding access to the media, identity, representation, ideology and democracy. Theek hai? इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं. मीडिया की आइडेंटिटी, ठीक है, मतलब मीडिया हाउस उसकी मार्केट रेपुटेशन क्या है, वो इसको कौन सा बिग कंपनीज ओन करती हैं, दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ द आइडेंटिटी. रिप्रेजेंटेशन, मीडिया किस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज हमें पता चल जाता है कि मीडिया का हिडन एजेंडा क्या है, उस बारे में हम बात करेंगे. प्लस ये तो है किस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है. सेकेंडली ये तो बैक स्टोरी होगी ना, हिडन एजेंडा. नंबर टू जो फोर फ्रंट पे है कि मीडिया जो है वो न्यूज चैनल एंड एंटरटेनमेंट चैनल तो हो सकता है, लेकिन वो डिफरेंट डाइवर्स एथनिसिटीज को, रिलीजन्स को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या जस्ट वो किसी एक के लिए स्पेसिफिक है, हमें हर एस्पेक्ट से इसको देखना होगा. आइडियोलॉजी की हम बात कर चुके हैं, आपको पता है मीडिया की आइडियोलॉजी होती है. अनफॉर्चुनेटली दे आर just loyal to their sponsors, not the general public. Private media houses are like that actually. And democracy, media mein democracy, dictatorship to nahi hai. Matlab har cheez jo media houses ke decisions hote hain, media industry ke decisions hote hain, kya wo ek chain of hierarchy, chain of people se discussion ke baad finalize hote hain, ya dictatorship hai. Jaise Facebook ke bare mein log bahut se concerned hai ke Zuckerberg ke paas ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब कुछ उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए बनाए हुए हैं, लेकिन वीटो राइट्स ज़करबर्ग के पास है. तो किसी एक इंडिविजुअल के पास इतना बड़ा कंट्रोल आ जाना, बिकॉज फेसबुक इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड फेमस कंपनी एंड दे डील विद रियल ह्यूमन बींग्स, सब्सक्राइबर्स, इसमें पॉलिटिशियंस भी आते हैं, हम जैसे लोग भी आते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स भी आते हैं. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और फेसबुक जो है किसी पॉलिटिकल कैंपेन पे इन्फ्लुएंस भी हो सकती है, कंट्रीज पे इन्फ्लुएंस भी हो सकती है, लोगों के माइंडसेट को चेंज कर सकती है, राइट? तो इन सब चीजों का कंट्रोल एक बंदे के पास होना, इट्स लाइक अ डिक्टेटरशिप, एंड उस बंदे का कोई एक एजेंडा होगा एंड नोबडी कैन स्टॉप हिम और हर. ये बात जरूर अलार्मिंग है और ये न्यूज में भी बातें सर्कुलेट करती रहती है. सो डेमोक्रेसी मीडिया में कितनी है, वी विल बी एक्सप्लोरिंग दैट थिंग. सिमिलरली कैंडिडेट शुड स्टडी व्हाट the relationship between media text means media products, jo humne baat ki hai, films, magazines, newspaper, everything is part of media text and radio broadcast as well. Their producers, kaun media text aur films ko produce karte hain, aur games ko produce kaun karte hain, social media ko produce kaun karte hain, distribute kaun karte hain, consume kaun karte hain. To ye pura jo cycle hai production ka, distribution ka, audience ka, humne isko bhi touch karna hai. आई एम ग्लैड कि हमने जरूर मीडिया ओनरशिप पढ़ा था एस बी और हमने कॉन्ग्लोमरेट्स देखा था, हमने ऑडियंस थ्योरीज भी पढ़ी थी, हम उसको क्विक रिफ्रेशर भी लेंगे, ठीक है, जिसमें हमने नीडल थ्योरी भी पढ़ी थी, हमने एक्टिव पैसिव ऑडियंस देखा था, वो ऑडियंस जो एक्टिव है वो क्वेश्चन करते हैं, पैसिव ऑडियंस के दिमाग में जो डाल दो ब्लाइंडली मान लेते हैं. किस दौर में पैसिव ऑडियंस ज्यादा थी, 1970s एंड 80s में, सोशल मीडिया के दौर पे जब हमें इंफॉर्मेशन मल्टीपल सोर्सेज से मिल रही है, अब ऑडियंस क्वेश्चन करती है, अब एक्टिव ज्यादा होगी, ये सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे. देन द मीडिएशन ऑफ नेशनल, रीजनल, इंडिविजुअल एंड ग्रुप आइडेंटिटीज. आपको पता है मीडिया आइडेंटिटी बनाता है नेशनल, रीजनल, इंडिविजुअल. देखो कौन सा कंट्री कैसा है, नोबडी नोज, एक्चुअली नोबडी नोज. मीडिया ने हमें बताया कि नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, इट्स अ बैड कंट्री. हमने कहा ठीक है, हमने मान लिया एंड वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑन दैट. हम कभी नॉर्थ कोरिया नहीं गए, बट हमने मान लिया. मीडिया ने कहा अमेरिका में बहुत फ्रीडम है, लिविंग अमेरिकन ड्रीम इज. अच्छा 80s में तो मीडिया बहुत हाइप क्रिएट करता था, ठीक है, अब ब्लैक लाइफ मैटर के इश्यूज आ रहे तो पता चल रहा है, मीडिया से पता चल रहा है कि लाइफ इज नॉट सेफ देयर, ठीक. मीडिया ने दिखाया कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट बहुत न्यूट्रल है, कनाडा की गवर्नमेंट बहुत न्यूट्रल है, ग्राउंड रियलिटी हमें नहीं पता. सो मीडिया क्या है, मीडिएटर है. मीडिएशन क्या होती है, मीडिएटर कौन होता है,
जो मिडल मैन होता है, जो डिबेट्स कॉम्पिटिशन नहीं होता, जो मीडिएटर बीच में होता है, रेफरी कह सकते हैं आप, जो कि जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोसेस होकर जा रही है. तो मीडिया ही किसी कंट्री की नेशनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, रीजनल आइडेंटिटीज को, इंडिविजुअल्स को और ग्रुप आइडेंटिटीज को. तो मीडिया कैन शेप एनीथिंग लिटरली. आप बीबीसी देखते हो, आपको दुबई के बहुत ज्यादा टूरिज्म के आजकल एड्स नजर आएंगे, क्योंकि वहां पे ड्यू टू कोविड बहुत कुछ चेंज हो गया हुआ है. वहां पे अपार्टमेंट्स खाली पड़े हुए हैं. अब वो दिखा रहे हैं कि दुबई इज अ नेक्स्ट बिग थिंग, आई एन इन्वेस्ट करें या रहे थ्रू मीडिया. सो पीपल नो यू, योर कंट्री, योर रिलीजन थ्रू मीडिया. एंड इफ मीडिया इज नॉट इन योर कंट्रोल, इट मीन्स दैट योर रेपुटेशन, योर फाइनेंशियल स्टेटस, एवरीथिंग वुड बी रुइंड. आपको क्या लगता है, यू नो, this discussion is really important in the very first lesson, that's why I'm trying to go for all kind of examples. Well, आपको क्या लगता है, इस गवर्नमेंट में, although we are not going to talk about governments or political things right now, but आपने नोटिस किया होगा पिछले दो सालों में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अब्रॉड, वेस्ट से हाइकर्स, बाइकर्स, लोग पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में आ रहे हैं. इज इट अ कोइंसिडेंस? क्या वीजा हमने जिंदगी में फर्स्ट टाइम खोला? ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट, अब बीबीसी और सीएनएन के जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, वहां तक तो पाकिस्तान टूरिज्म के एड्स बहुत एक्सपेंसिव होंगे. हाउएवर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देना और उनको फ्लाई करवा के यहाँ लाना, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव थिंग. और वो जो एड आता है बीबीसी पे, वो तो एक लम्हे बाद चला जाता है, पर यूट्यूब पे वीडियो हमेशा रहती है. और सब्सक्राइबर्स की बेस पे यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, उन फेमस इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो को दोबारा से वो प्रमोट करता रहता है. ठीक है, सेल्फ प्रमोट जिसको कहते हैं, यू मे ऑल्सो लाइक दिस, या जो रिकमेंडेड होती है. सो ये गवर्नमेंट जो है वो भी मीडिया के थ्रू, इन दिस केस इट्स अ सोशल मीडिया एक्चुअली, इसके थ्रू पाकिस्तान की टूरिज्म की और एज अ कंट्री आइडेंटिटी को शेप करने की कोशिश कर रहे हैं, रीशेप कर रहे हैं, पॉजिटिव इमेज दे रहे हैं. तभी उसके बाद आपको क्या लगता है, व्हाई डू इमरान खान टॉक अबाउट इंटेग्रिटी, ऑल्दो ही हैज डिफरेंट व्यूज, बट इंटेग्रिटी एंड पीस इन यूनाइटेड नेशंस एंड जितने भी वर्ल्ड समिट्स होते हैं, इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान को सेल कर रहा है. सेल करने का मतलब ये नहीं बेच रहा है, मतलब है कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज सेल कर रहा है वर्ल्ड वाइड में. और इसका बेनिफिट क्या होता है, हमारे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि FATF को आपको पता होगा, ये एक ऐसी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी कंट्री को ब्लैकलिस्ट करती है, जैसे कि ईरान एंड नॉर्थ कोरिया. पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, इंडिया ने बहुत ज्यादा उस पर वो की थी, मोनोपोली एंड क्या कहना चाहिए उसको, लॉबिंग की थी कि किस तरह पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाए, पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री करार दे दिया जाए. सो मीडिया के थ्रू वो करने की कोशिश कर रहे हैं. और उसको काउंटर करने के लिए हमारे पीएम एंड इस तरह की जो चीजें हैं, वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि यस, वी आर न्यूट्रल कंट्री, टेररिज्म इज गॉन एंड वी आर रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द यू नो क्या कहना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वी वांट टू ग्रो, वी नीड मनी एंड वी हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट. ठीक है, सो किसके थ्रू, मीडिया के थ्रू. तो बात हो रही है आइडेंटिटी की. ठीक है, उसके बाद थर्ड थिंग हमें स्टडी करना है, डायनामिक नेचर ऑफ पावर रिलेशनशिप्स विद इन एंड बिटवीन ऑडियंस एंड मीडिया. मीडिया का एक बहुत रिलेशनशिप है पावर का. ऑडियंस पावर में है या मीडिया पावर में है, या ये पावर स्विच होती रहती है, पावर शिफ्ट होती रहती है, इसके बारे में भी हम विल बी टॉकिंग अबाउट इट. उसके बाद पावर ऑफ रेटरिक इन द मीडिया. ठीक है, रेटरिक होता है पर्सुएशन, कन्विंस करना. मीडिया किस हद तक कन्विंस कर सकता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. ये आपसे एक्सपेक्टेशंस है कैम्ब्रिज की. देन कंस्ट्रक्शन एंड रिसेप्शन ऑफ कैंपेनिंग एंड मार्केटिंग इमेजेस. वो किस तरह मार्केटिंग के प्लान्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं और ऑडियंस कैसे रिसीव करती है. ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वे access to media may be limited or controlled, including a democratic distribution of voices. ये हमें मीडिया रेगुलेशन क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, यहाँ से हमें बेनिफिट हो जाएगा. I think Anas left due to some technical glitch. Anyways, so we will be talking about it in very briefly because हम already इस पर काफी बात कर चुके हैं. मीडिया को कंट्रोल वगैरह के बारे में बात हो रही है. So this is what we would be talking about and exploring, and in other words, ये वो cheat sheet है या ये वो Cambridge ने hints दे दी हैं, उनकी आपसे expectations क्या हैं? These are all those things, ठीक है?
सो गेटिंग बैक टू द सिलेबस वंस अगेन हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो सैम्पल क्वेश्चन कैम्ब्रिज टाइम्स शेयर किया, फिर हम दोबारा हैंड आउट पे मूव कर जाएंगे. द मीडिया कंस्ट्रक्ट आइडेंटिटी, मीडिया ही आइडेंटिटी को बनाती है. हाउ फार डू यू एग्री? आप इस बात से पार्शली एग्री कर सकते हो, आप इस बात से टोटली एग्री कर सकते हो, टोटली डिसएग्री या पार्शली डिसएग्री भी कर सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. अब आइडेंटिटी ऑफ होम किसकी आइडेंटिटी, बहुत ओपन एंडेड अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. इंडिविजुअल की, कंट्री की, रीजन की. अब रीजन की मिसाल है तो मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट की आइडेंटिटी. वैसे मिडिल ईस्ट में ये है कि दे आर मिडिल ईस्ट में यूएई इज ब्रॉड माइंडेड. यूएई ने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है कुछ पॉलिसीज के थ्रू, पर जो मेजरली मेजॉरिटी तौर पर मीडिया को यूज करते हुए, ठीक है. किंग मोहम्मद बिन सलमान MBS जिसको बोलते हैं, वो मीडिया के थ्रू, कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू, CNN को इंटरव्यू देने के थ्रू, न्यूयॉर्क जाने के थ्रू, कोट पैंट पहन के इंटरव्यू देने के थ्रू, वो एक मैसेज दुनिया को कन्वे कर रहा है कि सऊदी अरेबिया इज चेंजिंग. ठीक है, ड्राइविंग की परमिशन मिल गई, बिजनेस करने की परमिशन मिल गई वुमेन को, ऑल दो ग्राउंड रियलिटीज आर स्टिल डिफरेंट. लेकिन मीडिया के थ्रू वो दिखा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया इज चेंजिंग. और क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट देयर इकोनॉमी टू फर्दर बूस्ट, दे वॉन्ट टू अर्न मोर मनी, दे डोंट वॉन्ट टू रिलाई ऑन देयर क्रूड ऑयल एंड ऑयल रिसोर्सेज, दे वॉन्ट टू हैव रिलायबल बैकअप प्लान लाइक UAE, दैट इज टूरिज्म एंड होटलिंग एंड यू नो इस तरह की इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री. गॉट इट? सो मीडिया के थ्रू, अब मीडिया कंस्ट्रक्ट आइडेंटिटी, इसके ऊपर आप बहुत कुछ लिख सकते हो. अच्छा, यहाँ पे कंपल्शन नहीं है कि आप फिल्म, गेम्स और सोशल मीडिया के बारे में बात करना लाजमी, ऐसा नहीं है. आप अपनी मर्जी इसमें कर सकते हो, ठीक है. सोशल मीडिया तो इस क्वेश्चन में बहुत रेलेवेंट है बिकॉज वो आइडेंटिटी करता है किसी की भी, ठीक है. बट उसके थ्रू बाकी मीडिया हाउसेज एंड न्यूज के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, जैसे कि हमने अभी मैंने आपको बातों में कई कंट्रीज की एग्जाम्पल दे दी, तो इट्स वेरी ओपन एंडेड. आप बिल गेट्स के थ्रू देखो, अब मैंने कंट्री की एग्जाम्पल दी, मैं आपको इंडिविजुअल्स की एग्जाम्पल देने लगा हूँ. बिल गेट्स क्या करते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट बोला जाता है, ऐसा बंदा जो कि सोशल वर्क कर रहा हो उसको फिलैंथ्रोपिस्ट भी बोलते हैं. तो फिलैंथ्रोपिस्ट क्यों, हमें कैसे पता चला? उसने, हमें मीडिया ने बताया कि वो पाकिस्तान की पोलियो कैंपेन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. हमें मीडिया ने बताया कि वो इंडिया में कंट्रीब्यूट कर रहा है हेल्थ सेक्टर में. हमें मीडिया ने बताया कि वो वैक्सीन पे वर्क कर रहा है. हमें जो मीडिया बता रहा है हम वो सुन रहे हैं और हम मान रहे हैं, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं. हमारे पास टाइम नहीं है, या शायद हम करना नहीं चाहते, या शायद वो जो जनरल प्रिंसिपल है रेपिटेशन, जो हमने ऑडियंस थ्योरी देखी थी उसमें ये भी था कि रेपिटेशन से जब हमें बहुत दफा चीज बताई जाती है तो हम वो मान लेते हैं. हमें बचपन में बार बार बताया था कि सौके में उंगली नहीं डाली, करंट लगेगा, करंट लगे तो मर जाओगे. आपने बार बार सुन के मान लिया. कभी आप में से किसी ने फॉर फन, एक्चुअली मजाक कर रहा हूँ, कभी सौके में उंगली डाल के देखी है? शायद सबने झूठ बोला हो. नहीं, हम कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि बैक ऑफ आवर माइंड हमें पता है, क्यों, हमें बताया गया है बार बार रेपिटेशन से. सिमिलरली मीडिया हमें रेपिटेशन से एक बात बताता है और हम आखिरकार मानना शुरू कर देते हैं. मीडिया ने हमें बताया, और तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत सपोर्ट किया, कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ बैड गाय, ठीक है, ही इज अ वेरी केयरलेस इफ यू रिमेम्बर. और उसकी टीम भी ऐसी है, डोनाल्ड ट्रंप का जो हेड ऑफ सिक्योरिटी है, उसने रात के 2 बजे अपने यू नो हेड ऑफ सिक्योरिटी बनने के बाद ट्विटर पे अपना पासवर्ड शेयर कर दिया. उसका पता ही नहीं चला, मतलब दैट वाज हिज पासवर्ड. उसे कॉपी किया हुआ था, उसने क्लिपबोर्ड से पेस्ट कर दिया और वो अच्छा, उसके बाद उसको डिलीट किया तो दोबारा पासवर्ड उसका. आयरोनिकली ही वाज द हेड ऑफ सिक्योरिटी. यस, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हेड ऑफ सिक्योरिटी. तो मीडिया ने हमें उसकी जो भी फनी इमेज दिया और उसमें इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमें और मीडिया को कि यस वी आर रिडिकुलस. तो पॉइंट इज कि, लेकिन ये तो और एग्जांपल होगी, लेकिन मीडिया आइडेंटिटी शेप करता है. और आप जो मीडिया स्टडीज पढ़ रहे हो, या में से वो बच्चे जो मीडिया को ऐसा करियर बनाना चाहते हो, इसका मतलब है कि आपके हाथ में लीथल पावर आ जाएगी, ठीक है.
I'm not just saying कि आप अपनी एडवर्टीजमेंट एजेंसी या अपना प्रोडक्शन कंपनी बनाओगे, शुरू में किसी को ज्वाइन करोगे, कल को अपना करोगे, अगर आपको मीडिया हाउस ज्वाइन भी करते हो या अपना इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस बनाते हो, वो दौर चला गया जिसमें आपको सैटेलाइट वगैरह, लैंडिंग राइट्स और दफ्तर और लोगों को हायर करना पड़ता है, अब तो आप सोशल मीडिया और यूट्यूब के ऊपर भी पूरा एक चैनल बना सकते हो। आपने देखा होगा बहुत से चैनल्स होते हैं, आपने लोकल उर्दू चैनल से देखे होंगे, वो भी अपने टारगेट्स मीट कर रहे हैं, उन्होंने जो भी टारगेट्स रखे हैं, लेकिन अगर आप ग्लोबल टारगेट्स रखते हो तो वो भी मीट कर सकते हो। सो मीडिया के पास कितनी लीथल पावर है, मीडिया इज मोर पावरफुल देन जुडिशरी, देन आर्मी और यू नो वट एवर यू कॉल इट, सिक्योरिटी एजेंसीज, मीडिया इज मोर पावरफुल देन गवर्नमेंट्स, बिकॉज मीडिया स्प्रेड्स, इट गेट्स वायरल एंड पीपल बिलीव्स मीडिया। People believes के शायद ये investigation के बाद ही चीज publish हुई होगी, although ऐसा नहीं होता। Media अपनी powers को abuse हमेशा करता है, misuse हमेशा करता है। Well, with this discussion, let's get back to this thing. हमारे पास limited time है, मैं ज़्यादा detail में नहीं जाऊँगा। इस image को दोबारा आज हम देखते हैं। So this lesson, since we are recording it as well, can be considered as a very first lesson in the media, power of the media, and power of the media के अंदर जो आज हम ये डिस्कशन लेके चल रहे हैं कि मीडिया ऑफ पावर या पावर ऑफ मीडिया, ठीक है, ये दोनों चीजें। और इसमें बहुत बेस्ट इमेज आई कुड फाइंड ऑनलाइन कि दिस इज समबडी हु कंट्रोल्स थ्रोन, हु कंट्रोल्स वाटर एंड ऑल द यूटिलिटीज एंड पावर, हु कंट्रोल्स मीडिया, हु कंट्रोल्स जुडिशरी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री, weaponry, weapons industry, agriculture, food chain, and all other kinds of industries. Who is this guy? We will have to explore this because media ki jo humne baat ki thi, ye jo yahan pe CIS mein jo tha, this group identities and media ki ideologies, hidden agendas, media ki ideology वही होती है जो उसके स्पॉन्सर्स या उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, पेरेंट कंपनी की होती है, उसके कॉन्ग्लोमरेट की होती है। एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द थिंग कॉल्ड मल्टीनेशनल, विच इज क्वाइट कॉमन। एक ऐसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है उसको मल्टीनेशनल बोलते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स मल्टीपल कंपनीज कंट्रीज में काम कर रही है, सॉरी टेलीनॉर 8-9 मुल्कों में ऑपरेट करती है, नेस्ले पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है ऑलमोस्ट, ठीक है, ये मल्टीनेशनल है। इसके बाद एक इससे भी बड़ी टर्म है, लेकिन ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है नॉर्मली ये किसी एक सेक्टर से बिलोंग करती है। मसलन नेस्ले मेजरली फूड सेक्टर से बिलोंग करती है, हाँ उन्होंने कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स भी निकाली हुई है, लेकिन मेजरली कंजम्पशन, फूड कंजम्पशन से रिलेटेड उनकी प्रोडक्ट्स हैं। मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट चेन है, टेलीनॉर इज अ टेलीकॉम या नेटवर्क ऑर्गेनाइज कंपनी, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें, हवावे की बात करें या शाओमी जो चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, वो गैजेट्स बनाते हैं, उन कुछ डोमेन्स डिसाइडेड है। सैमसंग जरूर टीवीज और गैजेट्स बनाता है, सैमसंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी है, शायद आपको ही पता होगा, लेकिन स्टिल दो तीन इंडस्ट्रीज है, यहाँ तक मैं तो सैमसंग तो मिलिट्री के लिए वो भी बनाता है टैंक्स वगैरह, इट्स ह्यूज ना, लेकिन स्टिल यू कह लो कि सैमसंग 5-6 डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे फैला होगा। व्हाट अबाउट दोस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हर इंडस्ट्री में फैली हुई हैं, उनको मल्टीनेशनल बोलना बहुत छोटा लफ्ज है उनके लिए, बोला जा सकता है, इट्स अ वेरी माइनर वर्ड, उनके लिए बड़ा वर्ड चाहिए था, दैट इज ट्रांसनेशनल, ठीक है। यही हम यहाँ पे देख लो, ट्रांसनेशनल कैपिटलिज्म, कल हमने थोड़ा सा इसके बारे में बात की थी और रिकॉर्ड नहीं किया था, सो आई वॉन्ट गो इन टू डिटेल्स। मैंने इसका इमेज आप लोगों से शेयर किया हुआ है, दोबारा शेयर कर दूंगा दो पेजेस जो कल शेयर किए थे, आप फिलहाल वहां तक एब्जॉर्ब कर लो और हम अपनी डिस्कशन को यहाँ से आगे लेके चलेंगे। एंड अब हम थोड़ी डिटेल्स में जाएंगे और पेस को थोड़ा रिलैक्स रखेंगे। इसका फायदा ये नहीं होगा कि हम कम पढ़ेंगे हम ज्यादा, मगर हम डिटेल्स में जाएंगे, डिस्कशन डिटेल में लेके जाएंगे, ताकि ये जो कॉलेज हमें सजेस्ट कर रहा है कि अपनी पेस थोड़ी नॉर्मल रखें वो भी, और उसके अलावा भी यू नो